एक प्रश्न एक संदेश में हमारे साथ हैं भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, आपके हमने कई रूप देखे हैं, अधिवक्ता के रूप में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में देखा है, पॉलिटिशियन के रूप में देखा है। एक हमारा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे होगा कि आपके जीवन में और आपके जीवन के इन आयामों में सब आर्य समाज का किस आयाम पर सबसे अधिक असर पड़ा, और ऐसा कोई वृतांत अगर आप बताना चाहें कि आप आर्य समाज से जुड़ा हुआ जिसने आपको इन विषयों पर प्रभावित किया हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि मेरी माँ एक ब्राह्मण परिवार से थी और पूरे संस्कारी तरीके से उनके यहाँ पे सब पूजा पाठ चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन उनकी शिक्षा जो है वो आर्या कन्या विद्यालय में हुई थी। और तो उनको हवन और आर्या समाज के नियम और शांति पाठ और यज्ञ ये सब चीज़ वो हर रोज़ करती थी, और उसका असर बचपन में जाने अनजाने में हर बच्चे पे परिवार की स्थिति का पड़ता है। उसके बाद जिस परिवार में मेरा विवाह हुआ लेखीस, वहाँ पे पूरा का पूरा परिवार कट्टर आर्य समाजी था, और यहाँ तक कि ये लोग ने 400-500 साल कितने साल पहले अपना सरनेम छोड़ दिया था, और लेखी का मतलब लिखने पढ़ने वाले बेसिकली, और आर्य समाज के डीएवी स्कूल्स में खुद पढ़ाई की, और डीएवी स्कूल में परिवार की जैसे मेरे ससुर की बहनें यानी मेरी बुआ वगैरह वो सब लोग वहाँ टीचर्स भी लगीं, और उनके पिताजी भी आर्य समाजी थे, और पूरा परिवार आर्य समाज की पद्धति से जुड़ा हुआ था। तो एक तो जाति के विरोध में आवाज़, उसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर है, और हमारे परिवारों में कोई भी जाति को मानता नहीं है, यहाँ तक कि सरनेम भी नहीं लगाते। और उसका असर ये हुआ कि जब आप इन विचारों को लेकर आगे पलते हैं, बड़े होते हैं और उम्र बढ़ती है, कुछ समझ आने लगता है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में आने लगती हैं, और आपको कुछ विषयों का गहराई से आप समझने लगते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि की जब भी बात होती है तो मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म के संस्थापक के रूप में अगर हम किसी को भी देखें तो उसमें ऋषि वाल्मीकि आते हैं, और ऋषि वाल्मीकि इसलिए आते हैं, और हिंदू धर्म की परंपराओं में हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं था, अगर ऊंच नीच होता तो ऋषि वाल्मीकि नहीं होते, मगर वाल्मीकि ऋषि हैं, और आदर्श हिंदू समाज के जो भी समाज में है परिवार में है उसका आधारभूत पुस्तक रामायण है, कि बच्चा हो बेटा हो तो राम जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो, राज्य हो तो राम राज्य जैसा हो, जो सब आदर्शों का ज्ञान देने वाली पुस्तक है उसका परिचय और रचयिता वाल्मीकि भगवान है। तो मेरा ये मानना है कि जाति की प्रथा हिंदू परंपराओं के विरुद्ध है, और उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल है, और उसी रोल के कारण हम लोगों को जाति प्रथा को समाप्त करना है। जब हमारे यहाँ व्यक्ति की अंतिम यात्रा है तो अंतिम यात्रा के बाद हम सबके परिवारों में अवशेष को हरिद्वार या जिसका गंगा जी में विसर्जित करते हैं, तो गंगा विसर्जन के समय पर वहाँ पे जो पंडे हैं वो लोग पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है, तो अब मुझे तो मालूम है लेकिन मैं कभी उसका प्रदर्शन नहीं करती। तो वहाँ पर जब मेरे ससुर को लेके गए तो मेरे बच्चों ने पंडित से लड़ाई किया, और उन्होंने कहा कि हम किसी जाति को नहीं मानते। तो फिर मैंने उनका हाथ दबाया और मैंने कहा कि ब्राह्मण हैं, लेखी हैं, होशियारपुर से आते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पहले कुछ भी रहा होगा, हमारे दादा ने कभी जाति को नहीं माना, हमारे परिवार में जाति की कोई जगह नहीं थी, उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि उनका बौद्धिक तत्व आज तक कोई हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना ज्ञानी हो, और उन जैसा कोई क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर जो है गलत कांग्रेस के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और वो शूद्र थे क्योंकि इस पूरी उम्र समाज में से बुराइयों को साफ करते रहे। तो आज से नई जाति आप बनाइए रजिस्टर में। तो ये मेरे छोटे बच्चे
जो इस भाव के साथ अपने दादाजी के प्रति, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि समाज की सच्चाई अगर परिवारों में इतनी गहराई से हो तो उसका असर अगली पीढ़ी तक दिखाई देता है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप भावुक हो गई हैं और ये सचमुच ही बहुत मार्मिक दृश्य है, क्योंकि हमारा ये प्रयास युवाओं के लिए है, तो आर्य युवाओं के लिए यदि आप एक समसामयिक संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश इसी से है जी। कि ये तो अगली पीढ़ी है, जो मेरे बच्चे हैं वो तो अगली पीढ़ी के बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं जो अंग्रेजी छाप है 100% बहुत अच्छा नई व्यवस्था में पढ़े हैं, और नई व्यवस्था में पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने संस्कृत पढ़ी है, उन्होंने उनको उपनिषदों का उनको कंठस्थ है, और अपने दादा दादी नाना नानी माता पिता उन सब की मान्यताओं को बढ़ाने वाली ये अगली पीढ़ी है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है। हम केवल युवाओं से उम्मीद रखें ऐसा संभव नहीं है। पहले तो लोगों को अपने परिवारों में जिन संस्कारों की हम बात करते हैं वो केवल बात करने के लिए नहीं है बल्कि अनुयायी बनने के लिए है, चरितार्थ करना पड़ता है, और जब आप चरितार्थ करते हैं तो उसका असर अगली पीढ़ी में खुद ब खुद दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मार्मिक दीदी ने बोला, और यही एक संदेश हम लेना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए कि अपने संस्कारों को जीवित रखें, और जाति प्रथा का जैसे उन्होंने बोला कि हमें उससे बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।